27 साल आमिर हामिद शाह साकिन हारन गांधरबल ने खुद को उस वक्त आग लगा ली जब पुलिस और महकमा फ्लड एंड इरीगेशन की टीम मिसमार करने की मुहिम पर थी और नाला सिंध के किनारे तामीर किए गए इसके नए तामीर शुदा कम्प्लेक्स को आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। इसे इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद में इसके बारे में सरपंच एजाज अहमद शाह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने सुना कि सुनने में आया कि एक बच्चे की आग की वारदात में उसको मेडिकल मशहूर सोरा में पहुँचाया गया है। हम ये इसके खिलाफ नहीं है कि वो डिमोलिशन ना करे, हम कानून के साथ साथ है। अगर उनको डिमोलिशन करनी है पहले वो वहाँ पर डिमोलिशन करे जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर सरकारी ज़मीन में कम्प्लेक्स बन रहे। और आप गांधरबल जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वहाँ पर कितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है तो फ्लड वाले कहाँ हैं। अगर ये एक मंजिला इमारत बन गई है तो आज तक ये पीएचई वाले फ्लड वाले कहाँ पर थे? अगर आज उन्हें डिमोलिशन का डेट निकाला है, क्या उनके आंखों पे पट्टी बंधी थी कि आज कम से कम डेढ़ साल से इस कम्प्लेक्स में काम हो रहा था, आज तक इन्होंने कोई भी नोटिस या कोई भी कार्रवाई नहीं की, आज उन्होंने कोई पर्सनल अटैक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो गांधरबल को छोड़ के यहाँ मेरे हलके में कैसे आए। और मेरे हलके में उन्होंने आज वो वारदात अंजाम दी कि एक बच्चा नौजवान जो 25 साल का नौजवान है वो जान और मौत की कश्मकश में इस वक्त मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल है। हम पुलिस डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं, खासतौर एएसपी साहब के, एसपी साहब के, हम डीएसपी माजी साहब के और एसएचओ गुलजार साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ पर मैं लाइन आर्डर को मेंटेन रखा है। अगर पुलिस वक्तन यहाँ पर नहीं आती तो न जाने कितनी जाने यहाँ पर जाती, जैसे कि आज इस नौजवान